Hi, this is Aftab Shirdasani. Keep watching Expose India. कुशीनगर के कप्तान की कोटवा ग्राम पंचायत सहित दर्जनों गांव गंदगी की चपेट में हैं, जिसके चलते कई गंभीर बीमारियां फैलने का डर सता रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि सरकार के जरिए गांव में फॉगिंग और तमाम योजनाओं के लिए लाखों रुपया खर्च किया जाता है। अकेले फॉगिंग के लिए ही 10,000 रुपए मुहैया करवाए जाते हैं, लेकिन पैसा कहाँ जाता है इसका कोई पता नहीं चलता। गाँव में गंदगी का अंबार लगा है, मच्छरों की भरमार है, बिजली भी आँख मिचौली खेलती है, बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। जापानी बुखार से पीड़ित ज्यादातर बच्चे यहीं से होते हैं, लेकिन अब तक प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। यही नहीं, चारों तरफ जानवर भी गंदगी फैलाते रहते हैं। वहीं इस मामले में जब जिलाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी मामला सामने आता है तो कार्रवाई की जाएगी। तो सभी ग्राम वासियों से अनुरोध है, संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधानों से अनुरोध है कि आप अपने साधन से कुल मिला के ये बहुत छोटी सी मात्रा में यहाँ पे होना है तो उसको आप स्वयं अपने साधन से कर लीजिए और ग्राम संपत्ति के साधन से कर लीजिए या ग्राम निधि के साधन से कर लीजिए, ताकि ये JEAS का जो भी बीमारी रोकने के लिए जो मूल कारण है मच्छर फैलाना, लेकिन अपनी शरीर और अपने आरोग्य के संबंध में लोगों को भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप अपना ग्राम पंचायत के माध्यम से इसकी सारी व्यवस्था पूरी कर लीजिए। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।